वाई वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वाई वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है? फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू नो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. राइट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ इन केस ऑफ लाइट दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इन डिटेल्स विल स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देयर इज नथिंग बट ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, बट दिस दैट विल स्टडी इन डिटेल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर. ओके, नाउ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इफ यू रिमेंबर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ओके, फर्स्ट थिंग. नाउ एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सी डेल्टा टी. ओके, अब एनर्जी अपॉन ए अपॉन डेल्टा टी बेसिकली क्या है? इंटेंसिटी है. सो दिस इज इंटेंसिटी पर यूनिट वेलोसिटी. राइट, सो दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी पर यूनिट वेलोसिटी. सो दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी. तो यहां से हमें एक चीज मिल रहा है, दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर. इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड होगा और उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज इंटेंसिटी. ओके, नाउ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर. ओके, नाउ देयर आर थ्री प्रॉब्लम्स इन वेव थ्योरी ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी. ओके, वी विल डिस्कस नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द इंटेंसिटी प्रॉब्लम. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द इंटेंसिटी प्रॉब्लम. नाउ अकॉर्डिंग टू वेव नेचर एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. राइट, नाउ दिस इज अ मेटल प्लेट एंड सपोज इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग इज आई. इफ इंटेंसिटी इज लार्ज, सो वेन वी आर डिस्कसिंग वेव थ्योरी, अभी ये भूल जाओ लाइट में पार्टिकल्स है ये पढ़ा है, ये भूल जाओगी. लाइट में अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है ये कि पार्टिकल्स है फोटॉन्स है, ये अभी भूल जाओ. अभी हम लोग देख रहे हैं कि वेव प्रॉब्लम वेव थ्योरी में प्रॉब्लम कहां आया. सो नाउ यू फॉरगेट अबाउट द पार्टिकल नेचर. ओके, नाउ यू थिंक अबाउट इट, थिंक ऑफ इट लाइक अ वेव. अब पार्टिकल नेचर में तो वी हैव डिस्कस की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है. ठीक है, बट वेव नेचर में एनर्जी क्वांटाइज नहीं होता है. वेव नेचर में एनर्जी कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है. ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग द वेव थ्योरी. सो फोकस ऑन वेव थ्योरी ओनली एंड वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ वेव थ्योरी विच इज वाई इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर लार्ज है तो यू नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्क्वायर. सो इफ इंटेंसिटी इज लार्ज देन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्क्वायर, सो दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रिक फील्ड. मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लाइज वॉट? मोर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स. मोर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स फॉर इजेक्शन, दैट मीन्स अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है सो इलेक्ट्रॉन शुड एग्जिट, मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड कम आउट ऑफ द सरफेस. बट ऑब्जर्वेशन कुछ और. ऑब्जर्वेशन शोज दैट इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर वट एवर बी द इंटेंसिटी. मीन्स इंटेंसिटी ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, देर इज नो इफेक्ट. इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वी कैन नॉट ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना, हाउ सो एवर लार्ज माइट बी द इंटेंसिटी. मीन्स एक्चुअल में देख रहे हैं कि इंटेंसिटी डज नॉट प्ले एनी रोल. ओके, सो इंटेंसिटी हैज नो रोल इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज द इंटेंसिटी प्रॉब्लम. द सेकेंड प्रॉब्लम इज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. नाउ अकॉर्डिंग टू वेव नेचर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स should depend on intensity and not frequency. Okay, so according to wave nature, frequency should not have any role in the ejection of electrons. So ejection of electrons should depend on intensity and not frequency, but the observation is otherwise. We know that frequency is the key player here. Okay, so but observation is otherwise. You know that the key player here is frequency, but wave nature says that it should be intensity. But the third problem is the most important one, and that is the time lag problem. Now, according to wave theory, the energy of wave, it's not discrete. According to wave theory, the energy of a wave is continuous. That means it keeps on falling on the surface. Okay. Now, energy of the wave is continuous. So, any intensity and any frequency should be able to cause photoelectric effect. Any intensity and any frequency should be able to cause photoelectric effect. What does this mean? This means that say suppose intensity is less, agar intensity kam hai, still you know that the energy is continuous. So if the energy is continuous, then atom should keep on absorbing energy. Atoms should keep on absorbing energy till it has accumulated enough energy to overcome the work function. तुमको पता है कि work function जितना energy तो गिरना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा गिरेगा तभी photoelectric effect हो सकता है. But wave theory के according it is said that energy is continuous. तो एक atom जो है continuously energy absorb करते रहेगा. Okay, और तब तक करेगा जब तक कि वो work function से ज्यादा energy ना ले ले. Okay, so to overcome the work function. So this process will take time. This process will take time. So this process may there will be some time lag. Okay, so there should be some time lag. There should be some time lag. मतलब निकलने में थोड़ा time लगेगा. Okay, but again observation क्या है? But observation shows that photoelectric effect is an instantaneous process. That is, electrons eject as soon as light strikes. That means there is no observable time gap. There is no observable time gap. So even if it is there, then the time gap will be less than 10 raised to the power minus 15 seconds. Okay, because that is the limit that we can observe. Okay, there is no observable time lag. Even if there is lag, this lag will be less than 10 raised to the power minus 15 seconds. Agar hai toh. Okay, but there is no observable time lag. Right, so these three problems forced scientists to develop a new theory, and that we call as Planck's law now. Okay, so
The wave nature of light cannot explain the photoelectric effect. Now, how does particle nature explain? Let us see, how does Planck's law explain? How does particle nature explains photoelectric effect? Now, you know that particle nature matlab kya hai? Means the Planck's law means their energy is discrete and carried in packets, right? So, particle nature states that each atom absorbs only one photon. Means intensity mein as a whole total energy ki baat kar rahe the. Intensity was all about total energy, right? But particle nature, Planck's law is about energy of one photon, and total energy is integral multiple of energy of one photon. Ab it states that each atom absorbs energy only from one photon. Okay, that means what? That means energy of this photon, one photon alone, energy of one photon alone has to be greater than the work function. करोड़ों फोटॉन्स गिर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है. इंटेंसिटी जो है वो टोटल एनर्जी है, करोड़ों फोटॉन्स का एनर्जी है, उससे कोई मतलब नहीं है. एक फोटॉन, वन फोटॉन एनर्जी शुड बी मोर देन द वर्क फंक्शन. ओके, अदर फोटॉन्स आर ऑफ नो यूज. ओके, सो इफ एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, वी विल से दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस. Otherwise, not. So that means the energy of one photon greater than phi, energy of one photon is E, or you can say frequency is greater than threshold frequency, or wavelength is less than the threshold wavelength. In this case, you will say photoelectric effect can occur, otherwise not. And this is explained by the Planck's law. Okay. Otherwise not. Okay, now we will discuss, agar intensity ka role hi nahi hai photoelectric effect mein, then why did we study and why did we define intensity? Okay, now what is the use of intensity? Okay, intensity represents total energy, right? Now more the intensity, that means more number of photons. Now, one photon can eject at max one electron because that photon will be absorbed by one atom. Okay, so one photon can eject at max one electron. Okay, if more photons strike, more electrons can be ejected. But remember again one thing, I am writing it with a different color, provided E is greater than phi. If E is less than phi, intensity has no role. But if E is greater than phi, intensity has use. What is the use? If more intensity, that means more photons. More photons means more electrons ejected. Okay, more electrons ejected means what? More electrons means more photocurrent when the circuit is complete. In fact, you will say that photocurrent is directly proportional to intensity.